सब्सक्राइब करें बेक विथ रज़िया चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आज मैं आप लोगों को स्पॉन्जी केक बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। और मैं इस रेसिपी को 3 स्टेप में तोड़ के बताऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। और आप इस केक के बेस को चाहे तो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इस बेस से ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक, स्ट्रॉबेरीज केक, जो भी आपके पसंद की आइसिंग हो, आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखें हमें सिंपल स्पॉन्जी केक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिए होगा 100 ग्राम मैदा और ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अब आप एक बड़ी सी बॉल लें और अब आप इसमें डालें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आप अच्छी तरह से छान लें। अब ये हमारा पहला स्टेप रेडी है, अब आप इसे साइड में रख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा 1/2 ग्लास दूध, यानी कि 125 ml मिल्क, 1 1/2 टेबल स्पून विनेगर और 1 1/2 टेबल स्पून वैनिला एसेंस। तो सबसे पहले हम इस ग्लास में डालेंगे वैनिला एसेंस, साथ ही इसमें डालें विनेगर और अब आप इसे एक चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लें। मेक श्योर कि आपकी जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। सो अब ये हमारा दूसरा स्टेप रेडी है, इसे भी अब आप साइड में रख लें। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। इस स्टेप में हमें चाहिए होगा 1 1/2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1 1/2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, 25 ग्राम पिसी हुई चीनी, यानी कि 1/4 कप पिसी हुई चीनी और 125 ग्राम हमें चाहिए होगा मिल्कमेड और कंडेंस मिल्क। ये मैं यहाँ पे रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घर का बनाया हुआ होममेड कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगी, आप चाहें तो चेक कर लें। अब आप एक बड़ी सी बॉल लें, इसमें आप डालें पिसी हुई चीनी, साथ ही आप इसमें डालें वेजिटेबल ऑयल और अब आप इसमें डालें मेल्टेड बटर। साथ ही इसमें डालें मिल्कमेड और कंडेंस मिल्क। इन सारी चीजों को डाल के आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। अब एक साथ में सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ ही इसमें जो हमने मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखा था, जिसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, इसे भी आप थोड़ा सा ऐड करें और आप इसे मिक्स कर लें। अब अगेन आप थोड़ा सा इसमें दूध डालें और अगेन थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, जिसे हमने छान के रखा था। इसी तरह से आप स्लोली स्लोली ऐड करें। ऐसा करने से ये होता है कि इसमें कोई लम्स नहीं बनता है और आपको इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है। जस्ट आप इसे इसी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब ये आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी, किस तरह का इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब आप इसे साइड में रख लें। अब आप एक केक टिन लें और साथ ही आप इसमें बटर लगा के हल्का सा ग्रीस कर लें। और साथ ही नीचे आप एक बटर पेपर रख दें और साथ ही तैयार किया हुआ बैटर डाल लें। बैटर डालने के बाद अब आप इसे
चार से पांच बार इस तरह से टैप करें ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो बाहर आ जाए। अब ये हमारा केक टिन रेडी है और दूसरी ओर हमने एक प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है। प्रेशर कुकर को प्रीहीट करने के लिए सिंपली आपको प्रेशर कुकर के बेस पे थोड़ा सा नमक डालना है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब, और साथ ही उसके अंदर एक स्टील का स्टैंड रख देना है। अगर आपके पास स्टील का स्टैंड नहीं है तो आप कुकीज कटर या छोटा सा स्टील का कटोरी भी रख सकते हैं। और साथ ही अब आप इसमें तैयार किया हुआ केक टिन डाल लें। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है सो इसे आप थोड़ा सा केयरफुली अंदर डालें और अब आप इसे लीड से कवर कर दें और साथ ही मीडियम फ्लेम में 30 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करें और साथ ही प्रेशर कुकर की विसिल और आप इसकी रबर निकाल लें। अब तकरीबन 40 मिनट्स बाद अब आप लीड खोल के देखें। वाओ, ये आप देख सकते हैं हमारे केक में कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें एक टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा टूथपिक कम्प्लीटली क्लीन बाहर आ रहा है, विच मीन्स हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। मुझे इस केक को बेक करने में 40 मिनट्स का टाइम लगा है। मे बी आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है या फिर आपको थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है। अब मैं इसे केयरफुली प्रेशर कुकर से बाहर निकाल के ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। अब हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब आप एक नाइफ की हेल्प से इसके एजेस को लूज कर लें। और अब आप इस केक टिन के बैक पे इस तरह से यू टैप करें। वाओ, अब आप इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है इसे आप निकाल लें। वाओ, ये आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज्यादा स्पॉन्जी और कितना ये सॉफ्ट बना है। ये आप देखें, मैं आपको यहां पे इसे, ये आप देखें कितना ज्यादा ये सॉफ्ट बना है। ये आप देखें कितना ये सॉफ्ट बना है। अब हमारा स्पॉन्जी केक का बेस तैयार है। आप चाहे तो इसे चाय पे सर्व करें या फिर आप चाहे तो अपने पसंद का ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक या फिर आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी केक बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।